सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा कि राज्य ये आरएसएस से जुड़े हुए और इस देश के सभी लोग जानते हैं आरएसएस के लोगों ने उचका कर गोडसे को उचका कर महात्मा गांधी की हत्या की और यही लोग हैं। इट विल नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड। यू आर नॉट मेकिंग योर पॉइंट। यू आर खड़गे जी, यू आर एंगेजिंग अनफॉर्चुनेटली पेनफुली इन बैशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग फॉर द नेशन टायरलेसली विद नेशनलिस्टिक माइंडसेट। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड अ लीडर ऑफ योर स्टेचर टू से नथिंग बट अप्रिशिएट। As senior men, don't find yourself in chains. Where appreciation is needed, you must appreciate. Yes. Great. ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपेंज करना चाहिए। अरे आप सौ बार बोलो, आप सौ बार कहिए, मैं सौ बार यही कहूंगा कि आरएसएस इस देश को तबाह कर रहे हो। सर ऑल एस्पर्शन अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलक की योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम भड़क जाएंगे है। क्योंकि कभी तो कभी सुन लीजिए सर, कभी लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा कभी है, मरे नहीं देश के तो लिए। और वो हमको आज किसान का बेटा देशभक्ति का पाठ, आज किसान का बेटा साइंटिस्ट है, अधिकारी है, उद्योगपति है, हमारे पार्लियामेंट भी है, हमारे संसद भी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। किसान को छोटे दाने की मत देखिए, हमारे वजह से किसान के सच्चाई कैसे बनी है, आईआईटी हमने बनाया, कैसे बनेंगे तब यूजीसी हमने बनाया। मैं किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने बनाया, किसान कितना बड़ा है, रेवोल्यूशन हमने लाया, मुझसे पूछा व्हाइट रेवोल्यूशन हमने लाया, हर एक बच्चा हमने जो संस्थाएं निकाले थे वहां पड़े हैं या आरएसएस के खड़गे जी। सर हमको खड़गे जी जानकारी लीजिए, जो रिजल्ट आते हैं हा? जो रिजल्ट आते हैं, जो योग्यता में आगे रहते हैं हा? उनके अंदर किसान परिवार की कितनी बड़ी भागीदारी आपको अंदाजा नहीं है। सरकारी तंत्र में किसान की भागीदारी, अरे किसान कितना करिश्मा देश के लिए कर रहा है, 47% की भागीदारी हमने भी, चाहे 47% की भागीदारी हमने भी, एससी एसटी को रिजर्वेशन हमने दिया, आदिवासियों को रिजर्वेशन हमने दिया। आपने क्या, आप सिर्फ तोड़ना, आप सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। सर सर मोदी जी ने 2014 में हरियाणा में वन रैंक वन पेंशन का वायदा किया, लेकिन आप तो नो रैंक नो पेंशन पर उतर गए। सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे सर, सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे, उनको निजी क्षेत्र में देते देते आरएसएस के लोगों को दिया गया। वृंदावन, यूपी, सोलन, हिमाचल, रोहतक, हरियाणा, ये सब एरिया। प्लीज एक्सप्लेन, टोटली एक्सप्लेन। अरे दिया है सर, उनको सौंपा गया। खड़गे जी मैं आपके
खड़गे जी, खड़गे जी, मैं आपसे एक बात पर विचार करने का आग्रह कर रहा हूँ। मैं हाँ यस प्लीज खड़गे जी, मैं आपसे एक बात के लिए आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या इस देश में हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो इस देश की विकास गंगा के अंदर भागीदार हो? क्या हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उस हवन में अपनी आहुति दे? आप कह क्या रहे हैं? मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूँ, मैं उन स्कूलों में गया हुआ हूँ, मैंने देखा क्या कुछ हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है शायद आप एक भी सैनिक स्कूल में नहीं गए हैं। मैं गया हूँ सैनिक स्कूल में जाकर, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ। आप समाज के एक वर्ग को हर काम से दूर रखना चाहते हैं, ये मानसिकता भारत के संविधान के अंदर सही नहीं है। विचार कीजिए इस पर। एक नाम आते ही आप एकदम कहते हैं ये क्यों किया। ये देखिए साहब, नहीं ये देखिए, मेरी राय है, ये मेरी राय कायम रहेगी जब तक इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है, तब तक ये कायम रहेगा। अगर ऐसी सब कुछ निजी क्षेत्र को सौंपते रहे तो गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? फौज को फौज रहने दीजिए, फौज को फौज रहने दीजिए। राजनीति करने के लिए बहुत से विषय पड़े हैं इस देश में। प्लीज प्लीज, तो मैं आपसे हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध घटता है और हर दिन 6 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। ये महज नंबर, अरे ये स्टैटिस्टिक, ये महज नंबर नहीं है, ये असली लोग हैं जो सालों से भेदभाव झेलते आ रहे हैं। आज भी हालत सुधरे नहीं है। देश का ध्यान सिर्फ कुछ मामलों की तरफ खींचना चाहता हूँ। जुलाई 2023 मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया। सितंबर 2023 मध्य प्रदेश के अनुपपुर बीजेपी नेता ने मुस्लिम आदिवासी को सरेआम चप्पलों से पीटा। 2023 गुजरात के मोरबी दलित लोग को कंकर मांगने के लिए लोगों ने पीटा और मुंह से सैंडल उठाने के लिए भी मजबूर किया। 2023 में मध्य प्रदेश के दमोह दुकान में पानी पीने पर दलित युवक से मारपीट। 24 में गुजरात के गांधीनगर में शादी के दौरान के दलित युवक को पीटा गया और घोड़ी से उतारा गया। यूपी के बरेली में दलित युवक को 2 होमगार्ड ने पीटा। प्लीज प्लीज, मध्य प्रदेश के सागर में यौवन उत्पीड़न के आरोप के चलते पहले भाई और चाचा की पीट पीट कर हत्या की, भाई और चाचा की, फिर दलित महिला की भी मौत हुई। 24 में यूपी के फिरोजाबाद के जेल में दलित युवक की मौत हो गई। 24 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित युवक को दंड से पीटा गया। जून 24 गुजरात के जूनागढ़ में बीजेपी विधायक के बेटे पर दलित युवक के साथ मारपीट करने को आरोप में उसको कर दिया। मैंने इन घटनाओं का जिक्र करना जरूरी समझा सदी के भारत की एक सच्चाई ये भी है। सर, मैं इन घटनाओं का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ, करना जरूरी समझा, ताकि देश समझ पाए कि 21वीं सदी के भारत की एक सच्चाई ये भी है। सभापति जी, सामाजिक न्याय का मुद्दा
लोगों के दिल का मुद्दा है, इस तरफ ध्यान देना जरूरी है, इसीलिए ये बातें मैं आपके सामने रखी। लंबे समय से जाति जनगणना की मांग है, लेकिन सरकार इसको करने के लिए नहीं दे रही। लेकिन ये जाति जनगणना अगर हो गया तो हर एक को अपना अपने अपने लोगों को एक उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएगी। इससे विभिन्न समुदाय की दशा का आकलन हो सकता है, चुनौतियों को काबू में लाने की रणनीति इसी से बन सकती है। इस मुद्दे पर जितना देरी होगी उतना गरीब और कमजोर तबकों के लिए, उनके हितों के लिए चोट लगेगी। सर, सभापति जी, आप किसान परिवार से आते हैं, उनकी स्थिति अच्छी आप जानते हैं। तरह किसानों की हालत आज पहले से अधिक खराब है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वायदा किसने किया था, पर उल्टे उनकी खेती की लागत बढ़ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ 2018-19, ये मेरा नहीं सर, और एक बार पढ़ता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ 2018-19 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक किसान खेती से दिन केवल 27 रुपए कमाता है। MSP, ये स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट का है, मेरा नहीं। MSP गारंटी कानून बनाने की मांग देश भर के किसान संगठन कर रहे हैं। आपने इस पर कमेटी बनाई है और MSP गारंटी कानून बनाई है, पहल कीजिए। विपक्षी दल इस पर सरकार के साथ देने के लिए तैयार है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर में एक ही महीने में लगातार 3 आतंकी हमले हुए। मणिपुर 3 मई 2023 से जल रहा है। राहुल जी मणिपुर के लोगों के साथ खड़े रहे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मणिपुर से शुरू की। इंडिया गठबंधन के सांसद मणिपुर गए, इनका अनुभव संसद की सरकार सुन सकती थी, पर सरकार राजनीतिक लाभ में लगी रही। अभिभाषण में मणिपुर पर चिंता नहीं दिखाई दी, इसीलिए आपका सफाया वहां पर हो गया। हाल में RSS चीफ मोहन भागवत जी ने मणिपुर पर नसीहत दी, हमारी बात तो आप सुनते नहीं, RSS वाले पहले बार सच बोल रहे हैं। उनकी तो बात सुनिए, एक साल से मणिपुर जल रहा है, किसी की जवाबदारी नहीं। सर ये परसों ही बोले ना, ऑन वन हैंड खड़गे जी, ऑन वन हैंड यू आर स्पेयरिंग नो वर्ड्स ऑफ कंडेमनेशन, ऑन सेकंड हैंड यू आर सेइंग कंसिस्टेंटली, है ना, कंसिस्टेंटली, है ना। ये देखिए साहब, देखिए आप सुनिए, ये मेरे शब्द नहीं, मोहन भागवत मैं कह रहा हूँ, बोल रहे हैं कि मणिपुर पे इन्होंने लीवर छीन लिया। मोहन भागवत जोड़ के कहता हूँ, मैं नहीं कहा, आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा, आप ये नहीं, मोहन भागवत जी का हर भाषण आप पढ़ लीजिए, ज्ञान ही मिलेगा। मैं ये देखिए बहुत नपी, मैं देखिए अपने जो उनके फाउंडर है वहां से लेकर गोलवाल गुरुजी से लेकर सुदर्शन से लेकर जितने भी उनके लीडर है सबको पढ़ता हूँ। और देवरस इमरजेंसी में थे ना, सब देवरस बाड़ा साहब सबके साहब, मेरे को नाम याद है, इसलिए याद है, वो समाज को खत्म करने के लिए बैठे हैं, उनका नाम तो मेरे को हर दिमाग में बैठा हुआ। This is reprehensible.
एज ए मैटर ऑफ दिस इज सभापति बीच एक बड़ा घोटाला खड़गे जी सामने आया है, खड़गे जी जिसे सरकार जी खड़गे जी दबाने की कोशिश यू आर मेड वन सेकंड यू आर मेड हाईली कंटेम्पचुअस ऑब्जर्वेशन व्हाट वायलेटिंग द डिग्निटी ऑफ दिस हाउस व्हाई आपने कहा कि ये लोग खत्म करने में लगे हुए हैं हाउ कैन नो दिस इज डिलीटेड आई टेक एक्सेप्टिंग साहब आपको नहीं बोल रहा हूँ नहीं नहीं आरएसएस को बोल रहा हूँ दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल यू हैव सर खड़गे जी अरे बैठो बैठो भी बैठो देखो साहब जब बोलते हैं तो आप नहीं बोलना चाहिए तो सर 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है खड़गे जी वन सेकंड होम मिनिस्टर ने कहा कि भाई शेयर द हाउस बिफोर 4th June आई हैव टू टेक नोट ऑफ टाइम वन सेकंड द हाउस विल कंटिन्यू ड्यूरिंग लंच रिसेस आल्सो इन दी डेलिब्रेशंस कंटिन्यू आपका फ्लो नहीं तोड़ रहा हूं देखिए आपके फ्लो के लिए लंच रिसेस रद्द कर दी गई है पर लंच रिसेस रद्द कर दी गई है साहब वो क्या करते हैं कभी कभी हमारा शरीर में से दिल्ली निकाल लेते हैं कभी भेजा निकाल लेते हैं तो इसीलिए जरा मुश्किल हो जाता आज के दिन आपने जो बयान की है वो आप बहुत बढ़िया बहुत आपकी नहीं हो सकती आपकी नहीं हो सकती आपकी नहीं हो सकती सभापति जी लिखी हुई बात बोल रहे हैं बड़ा घोटाला सामने आया है जिससे सरकार ने दबाने की कोशिश की है 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है होम मिनिस्टर ने कहा कि बाई शेयर्स बिफोर 4th June वाह ये मार्केटिंग करते हैं बहुत से कंपनियों का ऐसी भाषा उन्होंने की सर जून एग्जिट पोल आया और 3 June को स्टॉक मार्केट के सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया पर 4 June को स्टॉक मार्केट एकदम गिर गया निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार है क्या उनको आप सबक सिखाएंगे कि इतने लोगों के पैसे गए 4 June को आप देखिए क्या देखे सब गिर गए धड़ाधड़ धड़ाधड़ सर आखिर में चंद बातें देश की लाइफलाइन भारत रेल पर भी करना चाहूंगा हाल में कांचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना हुई उससे पहले बालासोर दुर्घटना भी थी हमारे रेल ऑस्ट्रेलिया के आबादी के बराबर रोज मुसाफिरों को ले जाती है और देश को एक तरफ लेकिन अरे इन्हें आप तुम्हारे पिताजी को रिसीव करने के लिए रेल में ही जाता था अरे अरे गुलबर्गा में एयरपोर्ट नहीं था तो हम खड़गे जी ये देखो 1970 में इनके पिताजी को हमको हम सबको अंदर कर दिए थे 144 ये यंग टर्न हम सब उस वक्त यंग थे खड़गे जी मतलब बात करें खड़गे जी क्या करें हाँ किनको अंदर कर दिया था देखिए 1970 में 71 में सुनिए चंद्रशेखर मोहन धारिया कृष्णकांत और ये जो लोग यंग टर्न की ग्रुप थी हमारे गुलबर्गा आए थे 144 इन्होंने तोड़ दिया तो हम ही वहां पर ब्लॉक प्रेसिडेंट थे तो हमको भी अंदर डाले इनको भी अंदर डाले एक दो घंटे के लिए फिर बाद में छोड़ दिए तो 4 बार गुलबर्गा आना पड़ा विमान नहीं थी रैली थी तो इसलिए मत बोलो भाई तुम्हारी इज्जत करता हूं क्योंकि तुम्हारे पिताजी की वजह से बैठो बैठो हमारी रेल ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर रोज मुसाफिरों को ले जाती है देश को एक तरफ
हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार नागरिकों की सुरक्षा की सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। किसी दुर्घटना पर हम सवाल उठाते हैं तो इसका जवाब ये मिलता है कि पीछे आपके जमाने में कितने दुर्घटना हुई थी, कितने ऐसी घटनाएं होती, उसकी गिनती होती है। अरे अच्छे करने की गिनती करो, पीछे क्या हो गया, वही बात बार बार बोलने से देश आगे नहीं बढ़ता। अच्छा होगा कि सबसे पहले 3 लाख से अधिक वैकेंसी रेलवे में जो खाली है वो भर्ती करो, उसमें SC ST सभी को मिलेगा। और खास कर मैं आपसे ये विनती करूंगा कि जहां वैकेंसीज है, लाखों वैकेंसीज है, वो सरकार भर रही है। वैकेंसीज की बात है ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑन वैकेंसीज गेटिंग। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, एक सेकंड जी, आपने गलत डिबेट देखी है। पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों को भर्ती की गई है। 5 मिनट में खत्म। और अगर मीडिया का 10 साल देखें तो उससे ज्यादा वैकेंसीज भर्ती की। पिछले 10 सालों में गरीब आदमी सरकार की सोच से बाहर है। सरकार चंद अमीरों के बारे में सोचती है। महंगाई ने गरीबों का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये बढ़ते दामों से घर का बजट भी बिगड़ गया है। तो और मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे जो जरूरी चीजें हैं इस पर गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके बजाय सिर्फ हमको कैसा प्रत्युत्तर देना, कैसा टोकना, ये काम कर दे। भाई आपका काम नहीं, हम अपोजिशन में रहते हैं तो आपकी कमियां क्या है वो दिखाते हैं। आप अपनी कमियां छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कितने झूठ बोलेंगे आप। और इसीलिए तो मैं कहता हूं ये झूठ बोलते बोलते झूठों के सरदार हो गए। सर 214 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का नारा था घटेगी महंगाई बढ़ेगी कमाई, लेकिन गांव देहात के लोगों को, गरीबों, किसानों, मजदूरों का जीना मुश्किल कर दिया है। रोजमर्रा की चीजें GST लगाकर उसे और महंगा कर दिया है। और ये करने वाले लोग, कहने वाले लोग हमको, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, पहले काम करो उसके बाद अपने उपलब्धियां बताकर अपना कह दीजिए। सर गांधी जी का एक कोट मैं आपसे सामने पेश करूंगा, पढ़ूंगा। सभापति जी, गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा तथा स्त्रियों को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा। हमें मिलकर सोचना है कि राष्ट्रपिता के जो विजन रखा था उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। आखिर में के मैं केवल निवेदन करूंगा, अपनी बात खत्म करने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत बातें हमारे लखनऊ के नेताओं ने बताया, त्रिवेदी साहब ने बताया, मनमाने कानून पारित करे, ये सब चीजें हैं, इसको ज्यादा मैं बोलने नहीं जाता। आखिरी मैं एक ही अपने बातों को कहूंगा। सर वो नेहरू जी का कोट, आपने नेहरू जी का कोट वही हाथ में लिया। सर इसी हाउस में बीजेपी के एक वक्ता ने, उनका नाम नहीं ले रहा हूं इसीलिए फिर वो उठ जाएंगे, इसी हाउस में बीजेपी के एक वक्ता ने
क्या कुछ अपमानजनक बातें प्रथम प्रधानमंत्री और महान सेनानी नेहरू जी के बारे में कही, और प्रोसीडिंग में वो है। बीजेपी के लोगों ने अगर अटल जी को ही पढ़ लिया होता तो वो ऐसा जहरीला भाव नहीं दिखाते थे। 17 अगस्त 1994 को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नेहरू जी ने विपक्ष की मांग पर अपने सहायक यमोई मथाई को हटाने का फैसला तुरंत कर लिया था। नेहरू जी ने सदन में कहा कि जब सदन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ये सुनिए सब, महत्वपूर्ण हिस्सा यह महसूस करता हो कि कुछ ना कुछ किया ही जाना चाहिए, तब बहुमत के लिए ये कतई उचित नहीं है कि सदन की इच्छा को दरकिनार कर दिया जाए। ये नहीं, नेहरू जी के निधन पर 19 मई 1964 को राज्यसभा में अटल जी ने जो भाषण दिया वो उनके दिल के निकली बातें थी और आपके जैसे जहरीली बातें नहीं थी। उन्होंने कहा था मानवता आज खिन्न है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंख का तारा टूट गया। वे शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। मेरे नहीं वर्ड, वाजपेयी के, वाजपेयी जी का, अटल जी का, ठीक। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने की हिमायत थी। वे व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। अटल जी का ये लंबा भाषण है, मैं संक्षिप्त में चंद बातें आपके सामने करूंगा। वो व्यक्तित्व जो जिंदा दिली विरोधी को भी साथ लेकर चलने की वो भावना थी। पढ़ू साहब और एक बार पूरा। ये व्यक्तित्व जो जिंदा दिली विरोधी को भी साथ लेकर चलने की वो भावना, वो सज्जनता, वो महानता शायद निकट भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। और उनकी देशभक्ति के प्रति और उनके अटूट साहस के प्रति हमारे हृदय में आदर के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये वाजपेयी के शब्द। और आपके प्रोसीडिंग अगर पढ़ेंगे तो अब अटल जी का विचारधारा, नेहरू जी की सोच अलग थी, लेकिन आरएसएस लगातार निगेटिव चर्चा करके नेहरू जी की चरित्र हत्या का काम दशकों से करता रहा है। संघ के कई कार्यकर्ता जो संसद और सरकार में हैं, वे भी यही काम कर रहे हैं। नेहरू जी बेशक संपन्न परिवार में पैदा हुए, लेकिन आजादी की लड़ाई में वे 3,259 दिन करीब 9 साल जेल में रहे। नेहरू जी 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष बने तो फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी पर उन्होंने काम शुरू की थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इस पर प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन यह विजन आरएसएस को पसंद नहीं आया। दिसंबर 1947 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नेहरू जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे पास दिखाने के लिए बहुत सारे सबूत है कि आरएसएस एक निजी सेना की प्रकृति का संगठन है, वह नाजी लाइन पर आगे बढ़ रहा है। और हालांकि उनके नेता खुले तौर पर कहते हैं वो एक राजनीतिक निकाय नहीं है, लेकिन उनकी नीति और कार्यक्रम राजनीतिक और अत्याधिक सांप्रदायिक और हिंसक गतिविधियों पर आधारित है। ये मैंने नहीं कहा, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने जो
चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखी थी वो, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू जी के बारे में जो बात की थी, ये भी बता दें, ये सब है। ये भी बता दें अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्रोत क्या था। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी कौन से संगठन के थे ये भी बता दें। वो ये भी बता दें। नहीं नहीं, जनसंघ के थे, लेकिन ये पूरा बता। अरे अरे, जरा चुप। अच्छा, इनके पास आरएसएस अटल जी के वाजपेयी के नहीं, वाजपेयी के जैसे नेता अगर होते तो ये नौबत नहीं आती थी। मंगल सूत्र, भैंस लेना, जमीन लेना और लोग मुजरा, ऐसे शब्द नहीं आते थे। ये अलग है, वो अलग है, इसीलिए एक दूसरे को कंपेयर मत करो। तुम्हारा काम एक ही है, सबको तोड़ना, हमारा काम है जोड़ना। इसी शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। नहीं,